आईसीसी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला मैनचेस्टर के ग्राउंड में रवायती हरीफ मदे मुकाबल। भारत का शाहीनों को जीत के लिए 337 रन का टारगेट। मोहम्मद आमिर ने 3 विकेटें हासिल की। रोहित शर्मा ने भारत की जानिब से 153 रन बनाए। मैच को बारिश के बायस कुछ देर रोकना भी पड़ा। हाई वोल्टेज डू और डाई टाकरा, लाहौरियों का शाहीनों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर पंजाब का टीम को पुरअज़्म रहने का पैगाम। साबिक कौमी हॉकी स्टार्स और फनकार बरादरी की दुआएं। सुहेल तनवीर और इमरान नजीर के मशवरे, कौमी रेस्टर्स की टीम को हल्ला शेरी और चेयरमैन पीसीबी भी टीम की फतह के लिए पुरउम्मीद। जवानों बच्चों समेत सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर। इंशाल्लाह कैप्टन सरफराज और मोहम्मद आमर और उनकी पूरी टीम जो है हिकमत अमली और जुर्रत से ये मैच खेलेगी और इंडिया को शिकस्त जो है देगी। मुझे उम्मीद भी है कि हम उनको हरा सकते हैं और अपने प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस भी है कि वो अपनी फुल एबिलिटी तक खेलें। इंशाल्लाह हमने पहले भी चैम्पियंस ट्रॉफी में उनको हराया था तो पोटेंशियल तो है हमारे पास। मेरी दुआ और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। प्ले योर नेचुरल गेम और 100% मेहनत करें, एफर्ट करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जीतेंगे। इंडिया पाकिस्तान ऑलवेज अ बिग मैच और जब वर्ल्ड कप में हो तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। आई थिंक के वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होगा। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान टीम। पाक भारत मैनचेस्टर टाकरे पर लाहौरियों के साथ साथ जिले इंतजामिया का जोश भी अरूज पर। रेस कोर्स पार्क में बड़ी स्क्रीन, कुर्सियां और खाने पीने के स्टॉल्स का एहतमाम। एसी मॉडल टाउन के शहरों की फैमिली के हमरा मैच देखने और शाहीनों को भरपूर सपोर्ट की दावत। उधर एम्पोरियम मॉल में भी शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। गुलबर्ग में निजी होटल वाजवान में भी पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का इंतजाम। शहरी पुरतकल्लुफ मजेदार खानों और सनसनीखेज लम्हात से लुत्फ उठाने पहुंच गए। क्रिकेट के दीवाने जिंदा दिल लाहौरिये वतन की मोहब्बत से सरशार सात समंदर पार पहुंच गए। मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने लाहौरियों की बड़ी तादाद मौजूद। शाहीनों का जज्बा और जोश बढ़ाने के लिए हल्ला गुला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहसन है, मैं लाहौर से हूँ और डेनमार्क से आया हूँ और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं लाहौर वापस टाउन से हूँ, डेनमार्क से आया हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाती उम्र में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की सीनियर रहनुमाओं के हमरा मुलाकात। अवाम दुश्मन बजट को मंजूर होने से रोकने की हिकमत अमली पर गौर। दोनों जानिब से जमहूरियत की बालादस्ती के कयाम का अज़्म। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद और सियासी राबतों को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सियासी गिरफ्तारियों और इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मुज़म्मत। जाती उम्रा मुलाकात में मरियम नवाज की कमर जमान कायरा से बेटे के इंतकाल पर ताजियत। नायब सदर नून लीग बोली, मियां नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ताजियत के लिए आपके घर आऊंगी। अहम मुलाकात से पहले ही हुकूमत को परेशानी है, सोचता हूँ मुलाकात के बाद उनका क्या हाल होगा। सेनेटर परवेज रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले, मसाइल के हल के लिए दोनों जमातों का मिल बैठना जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन की रिहाइश का अमर। मुल्की सियासी सूरत हाल और नैब केसेस पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुआशी और इंसानी हकूक पर हमले कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मरियम नवाज शरीफ आवाम का दुख समझती हैं। अवामी मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। महंगाई और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का मॉल रोड पर अवामी मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की एहतजाज में भरपूर शिरकत पर जिंदा दिलाने लाहौर को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ की नाकाम मुआशी पॉलिसीज की भरपूर मजम्मत। सानिहा मॉडल टाउन के शोहदा की पांचवीं बरसी, यादगार शोहदा पर फातह खानी और एसारे स्वाब के लिए दुआ। सेक्रेटरी जनरल मिलहाजुल कुरान सोसाइटी खुरम नवाज गंडापुर के कयादत में कारकुनान की भी हाजिरी। वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ करार वाकई सजा का मुतालबा।
ब्रायलर की रसद में बेहतरी के साथ कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी। मुर्गी का गोश्त की कीमत 19 रुपए कम होकर 197 रुपए फी किलो फरोख होने लगा। रवां हफ्ते कीमत में 47 रुपए की कमी हो चुकी है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद से ट्रांजिट और ओवरफ्लाई पर पाबंदी में 28 जून तक तौसी। सिविल एविएशन का नया नोटिस जारी। पाबंदी के सबब लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक, कुआलालंपुर, श्रीलंका, एरिमटे की परवाजें मंसूख कर दी गईं। लाहौर स्टेशन पर वजीर रेलवे के बुलंदोबांग दावों की कलई खुल गई। नाकिस प्लानिंग के सबब नई ट्रेनों के हजूम में कोचेस की कमी का मसला दरपेश। शालीमार एक्सप्रेस के कोचेस कम करने पर मुसाफिरों का शदीद एहतजाज। ट्रेन 3.5 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। बरतानिया में अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एलुमिनाई का सालाना ईद मिलन डिनर। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में कॉलेज के मुस्तहिक तलबा की मदद के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। तैयारों की कमी और फनी खराबियों का सिलसिला हनूज जारी। लाहौर आने और जाने वाली 17 परवाजें मुतासर। 12 मनसूख और 5 ताखीर का शिकार हो गई। सीनियर सहाफी तज्जियाकार कॉलम निगार रहमत अली राजी की जोहर टाउन में नमाज जनाजा अदा। सहाफी बरादरी समेत हुकूमती नुमाइंदगान और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। इकबाल टाउन में 4 करोड़ की लागत से सीवरेज मंसूबे का आगाज। वजीर हाउसिंग महमूदुल रशीद ने उमर ब्लॉक का भेकेवाल तक सीवरेज मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सूबाई वजीर कहते हैं मंसूबे पर काम 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आर्मी फादर्स डे पर कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में खसूसी तकरीब का एहतमाम। जफाकशी से खानदान भर की गाड़ी खींचने वाले अजीम गाड़ी बांध को बच्चों का गीत गाकर भरपूर खराज तहसीन पे। जाति उम्रा में मरियम नवाज और बिलावल भुटो जरदारी की सीनियर रहनुमाओं के हमरा मुलाकात। अवाम दुश्मन बजट को मंजूर होने से रोकने की हिकमती अमली पर गौर। दोनों जानिब से जमहूरियत की बालादस्ती के कयाम का अज़्म। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद और सियासी राबतों को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सियासी गिरफ्तारियों और इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। जाति उम्रा मुलाकात में मरियम नवाज की कमर जमान कायरा से बेटे के इंतकाल पर ताजियत। नायब सदर नून लीग बोली मियां नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर ताजियत के लिए आपके घर आऊंगी। अहम मुलाकात से पहले ही हुकूमत को परेशानी है। सोचता हूं मुलाकात के बाद उनका क्या हाल होगा। सेनेटर परवेज रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले मसाइल के हल के लिए दोनों जमातों का मिल बैठना जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन की रिहाइश का अमर। मुल्की सियासी सूरत हाल और नैब केसेस पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुआशी और इंसानी हकूक पर हमले कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मरियम नवाज शरीफ आवाम का दुख समझती हैं। अवामी मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। महंगाई और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का मॉल रोड पर अवामी मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की एहतजाज में भरपूर शिरकत पर जिंदा दिलाने लाहौर को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ की नाकाम मौशी पॉलिसीज की भरपूर मजम्मत। सानिहा मौला टाउन के शोहदा की 5वीं बरसी। यादगार शोहदा पर फातह खानी और एसार स्वाब के लिए दुआ। सेक्रेटरी जनरल मिलहाजुल कुरान सोसाइटी खुरम नवाज गंडापुर के क्यादत में कारकुनान की भी हाजिरी। वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ करार वाकई सजा का मुतालबा। ब्रायलर की रसद में बेहतरी के साथ कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी। मुर्गी का गोश्त की कीमत 19 रुपए कम होकर 197 रुपए फी किलो फरोख होने लगा। रवां हफ्ते कीमत में 47 रुपए की कमी हो चुकी है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद से ट्रांजिट और ओवरफ्लाई पर पाबंदी में 28 जून तक तौसी। सिविल एविएशन का नया नोटिस जारी। पाबंदी के सबब लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक, कुआलालंपुर, श्रीलंका, एरिमटे की परवाजें मंसूख कर दी गईं। लाहौर स्टेशन पर वजीर रेलवे के बुलंदोबांग दावों की कलई खुल गई। नाकिस प्लानिंग के सबब नई ट्रेनों के हजूम में कोचेस की कमी का मसला दरपेश।
शालीमार एक्सप्रेस के कोचेस कम करने पर मुसाफिरों का शदीद एहतजाज, ट्रेन 3.5 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। बरतानिया में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एलुमिनाई का सालाना ईद मिलन डिनर, प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, तकरीब में कॉलेज के मुस्तहिक तलबा की मदद के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। तैयारों की कमी और फनी खराबियों का सिलसिला हनूज जारी, लाहौर आने और जाने वाली 17 परवाजें मुतासर, 12 मनसूख और 5 ताखीर का शिकार हो गई। सीनियर सहाफी तज्जियाकार कॉलम निगार रहमत अली राजी की जोहर टाउन में नमाज जनाजा अदा, सहाफी बरादरी समेत हुकूमती नुमाइंदगान और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। इकबाल टाउन में 4 करोड़ की लागत से सीवरेज मंसूबे का आगाज, वजीर हाउसिंग महमूदुल रशीद ने उमर ब्लॉक का भेकेवाल तक सीवरेज मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया, सूबाई वजीर कहते हैं मंसूबे पर काम 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आर्मी फादर्स डे पर कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में खसूसी तकरीब का एहतमाम, जफाकशी से खानदान भर की गाड़ी खींचने वाले अजीम गाड़ीबान को बच्चों का गीत गाकर भरपूर खराज तहसीन पेश।